हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, चीज़ों को सीख रहे होंगे और सीखने का प्रयास भी कर रहे होंगे। आज जो पहली बार मेरे वीडियो पे आए हुए हैं या मेरे चैनल पे आए हुए हैं, आपको मैं बता दूं, मैं क्लास 9 और क्लास 10 का मैथमेटिक्स फिलहाल पढ़ा रहा हूँ और इसके बाद मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी का भी वीडियोज अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है? तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अगर आप सीखते हैं इस वीडियो से तो दूसरों के पास शेयर भी जरूर करें। इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ाया था और उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में कुछ एंगल्स के बारे में बताया था और मैंने कहा था कि उस एंगल को आपको याद करना पड़ेगा जिसमें आपने साइन 30 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की चीज़ों को आपने सीखा था और देखा था कि कैसे उन चीज़ों को टेबल को प्रूफ किया जाता है। मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था उनकी वैल्यू को और एक चार्ट मैंने दिखाया था या चार्ट बताया था और कहा था कि उन चार्ट को याद किए बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। आज मैं उसी चैप्टर का, उसी एक्सरसाइज का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, उसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं और आप उसे देखेंगे कि कैसे उस चैप्टर के माध्यम से, मतलब उस वैल्यू के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए, आपके पास जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो कोई भी क्वेश्चन मतलब ऐसे नहीं है कि एग्जाम में नहीं आए हुए हैं और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए क्वेश्चंस के कैटेगरी को देखिए और वैरायटी को समझिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप घर में जितना हो सके एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल या आरडी शर्मा किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या है, मैंने बहुत छोटा क्वेश्चन पहले लिया है, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, इसको आपको सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए, प्रूफ नहीं करना, सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन एक नंबर या दो नंबर में आ सकता था। कैसे? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको याद करना है कि 45 डिग्री में साइन का वैल्यू क्या होता था। मैंने जो चार्ट बताया था उस चार्ट से साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। जिन लोगों को फिलहाल अभी तक टेबल याद नहीं हुआ है, वो टेबल खोल के बैठ जाए, बुक से या कॉपी में लिख ले या कहीं पर लिख ले, वो टेबल खोल के लिखे देखे, लेकिन आपको याद करना है, बिना याद किए आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है? तो साइन 45 का वैल्यू होता है, बोलेंगे सर 1/√2, ठीक है? और कॉस 45 का भी वैल्यू कितना होता है, 1/√2, उसकी वैल्यू हमने लिख दी। बस इतना ही काम करना है और उसके बाद तो आपका बेसिक कैलकुलेशन है, आपको एड सब्ट्रैक्ट आना चाहिए और कुछ नहीं। तो आपको पता है ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, अब ये रूट टू, ये 1+1 कितना हो गया, 2/√2। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर है। आपको पता है आप 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं और ये √2, ये और ये कट गया तो आंसर इसका आया कितना, √2। बात समझ में है? अब देखिए ये क्वेश्चन आपको कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन ये भी एग्जाम दो नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस लेकर आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन के थ्रू ही, कि क्या क्या क्वेश्चन लेकर सॉल्व करना है, क्या वैरायटीज के क्वेश्चन है बुक में। आइए, अब आपको देखो स्क्वायर आ गया है तो आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जो वैल्यू है वो वैल्यू को लिखो और याद करना है, मतलब उसमें लिखना है और उसका लगाना है। आपको पता है 10 60, तो बोलेंगे सर 10 30 का वैल्यू होता था, अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद कराता हूँ कि साइन 30 का वैल्यू होता था कितना सर, 1/2, ठीक है? और कॉस 30 का वैल्यू होता था √3/2, और मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि साइन थीटा जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं √3/2 और ये 2 और 2 तो कट गया और ये कहाँ चला गया, ये ऊपर चला गया, यानी साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, मुझे याद है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कभी भूल जाए तो ऐसे करना। साइन 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 और ये स्क्वायर है तो क्या हो गया, √3 का स्क्वायर + 4। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो बोलेंगे सर साइन 45 का वैल्यू था 1/√2, तो 1/√2 लिख दिए और उसका स्क्वायर, ठीक है? उसके बाद 3, आपको सेक 30 का वैल्यू लिखना है, घबराइए मत। आपने कॉस 30 का वैल्यू याद रखा है, बोलेंगे सर √3/2 होता है, √3/2, तो सेक उसका उल्टा होता है, तो क्या करेंगे, 2/√3, बोलेंगे क्या, × 2/√3 और स्क्वायर है तो 2/√3 का क्या, ऑल स्क्वायर। अभी फिलहाल ये इंटू का साइन हटा देते, कोई दिक्कत? इसकी वैल्यू लिखो 5 और कॉस 90 का वैल्यू याद करो, साइन 90 का वैल्यू कितना था, 1, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा, बोलेंगे 0, ये याद रखना है, ठीक है? कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना हो गया, जल्दी बोलो क्या, 0, तो बोलेंगे सर इसका तो वैल्यू हो गया तो 0, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे इसकी वैल्यू लिखो, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/√2, तो उसका उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, बोलेंगे सर 2, ठीक है? प्लस कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो उल्टा करेंगे तो कितना जाएगा, सेक 60 का 2, और कॉट 30 का वैल्यू सर 1 बाई सॉरी
टेन तीस का वैल्यू होता है 1/√3, तो उल्टा करेंगे इसको √3 आएगा, तो √3 का स्क्वायर। आई होप अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करना है, मुझे तो आगे सॉल्व करना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। क्या तो इसको ये हो गया 3, अब इसको जब आप दो बार करोगे तो 4 × 1/2 + 3 × 2 × 4 / 3 +2 0 हो गया, वो तो खत्म ही हो गया। इसके नीचे करोगे तो 2 × 2 = 4 √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, घटाओगे तो नीचे कितना आ गया 1, यानी नीचे का वैल्यू पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। 2 × 2 = 4 √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1, तो नीचे लाओगे तो 1 खत्म हो गया। इसको इससे काट दो 2, इसको इससे काटो खत्म, तो 3 और ये 2 कितना हो गया 5, 5 और 4 = 9, यही क्या आया इसका आंसर आया। आप समझो देखो, समझ में आ गया, अच्छे तरीके समझ में आया। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एक क्वेश्चन फिर से आया, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाइए और उसके बाद मिलाइए कि जो आपने बनाया वो सही है कि नहीं, आपने किया होगा, समय में आ लेता हूं। आगे चलो देखो, अब इसकी वैल्यू पुट करनी है आपको, बस और कुछ नहीं। 10 30 का वैल्यू कितना होता है, बोलेंगे सर 1/√3 और स्क्वायर है तो कितना चला गया, बोलेंगे सर स्क्वायर, कोई दिक्कत। उसके बाद साइन 30 का वैल्यू, क्योंकि इंटू में तो इंटू लगा दिया, साइन 30 का वैल्यू 1/2, आपको चार्ट लेके बैठना है नहीं तो याद कर लेना है, बिना याद के आगे आप बढ़ नहीं सकते, ठीक है। कोई ट्रिक मत याद कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है ट्रिक से याद करना तो आप ट्रिक से याद कर लीजिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई ट्रिक ना यूज करें, ठीक है। cos 60 की वैल्यू, ठीक है, 1/2 इंटू साइन 90 का वैल्यू 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ गया, लिख देते हैं। 10 60 का वैल्यू √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, -2। 10 45 का वैल्यू कितना, 1 इंटू cos 0 का वैल्यू कितना, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और cos 0 का वैल्यू 1, ये हो गया 1, और साइन 90 का वैल्यू भी कितना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़िए, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 × 1/2 प्लस ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, बोलेंगे सर ये 1, तो ये हो गया 1/2, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब यहां देखो 3 √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, और जब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा, तो घटाओगे तो कितना आएगा, बोलेंगे 1, राइट लिख रहे हैं हम, कितना आ गया 1, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व कर दो बाबू, यही आपका क्या आएगा आंसर, तो ये कितना हो गया 1/6 प्लस 1/2 = 1, कर लो, जब इसका एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, 6 ही तो आएगा, और फिर ये 1 प्लस ये कितना आ गया, सॉरी ये माइनस है ना, यहाँ माइनस 2 × 3 = 6, तो 3 × 1 = 3 -1 = 6 = 6, कोई दिक्कत नहीं। 3 × 1 = 4 में से 6 जाएगा तो माइनस का 2/6, इसको काटोगे तो -1/3, और यही आपका आंसर। देखो समझो, बहुत हार्ड तो नहीं है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपके, आपको सॉल्व करना है। आइए एक नई वैरायटी में चलते हैं, अब क्या है, क्वेश्चनों को वेरीफाई करना कि इतना इक्वल टू इतना। तो देखो दो क्वेश्चन मैंने लिया है, एक मैं बना देता हूं, एक आप घर में बना लेना, ठीक है, दोनों में से कोई बना देता हूं, चलो नीचे ही बनाता हूं। एक क्वेश्चन LHS और RHS प्रूफ करना है, तो LHS लेके चलते हैं, ठीक है, RHS अपने आप प्रूफ हो जाएगा, या फिर दोनों को प्रूफ कर देना, क्या ही फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो 11 क्लास में जाओगे तो फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा, और अभी उस फॉर्मूले से बनाओगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर एक नंबर में क्वेश्चन आए क्या कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तुरंत बना लें। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है tan A + B का, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, tan A - B अपॉन 1 + tan A × tan B। देखो वही फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, देखो हम डायरेक्ट लिख सकते थे tan A - B, A कितना है 60 डिग्री, B कितना है 30 डिग्री, = tan 30 डिग्री, प्रूफ। लेकिन ये तो फॉर्मूला में लिखा हुआ है, और आपको अभी फिलहाल इस फॉर्मूला से सॉल्व नहीं करना, हो सकता कुछ कुछ टीचर बता दे, तो ऐसा प्रूफ नहीं करना है, आपको जो सिखाया गया है फिलहाल आपको वही प्रूफ करना है। तो आपको क्या सिखाया गया है कि आप वैल्यू को पुट कीजिए, और पुट करने के बाद जो क्वेश्चन आता है उसको आप सॉल्व कीजिए। तो पुट करते हैं, देखिए कैसे, 10 60 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, बोलेंगे सर √3,
और टेन तीस का वैल्यू कितना होता है 1/√3। उसके बाद 1+10 7 का वैल्यू √3 इंटू 10 30 का वैल्यू 1/√3। कोई दिक्कत? ये और ये कट के नीचे 2 आ गया। इसको जब सॉल्व करोगे बाबू तो क्या आएगा? बोलेंगे सर इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आएगा √3 और √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो बोलेंगे सर 3 माइनस और 1 और अपॉन में सर 2 तो पहले से है ही, ठीक है 2/1 मान लो ऐसे कर लो, तो ये आ गया कितना? बोलेंगे सर 2/√3 और क्या होता है ना सर कि नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ये वाला नीचे मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया ये 2, ये और ये कट गया कितना आया 1/√3। अब तुम याद करो कि 10 30 का वैल्यू कितना होता था, तो बोलेंगे सर 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता था, प्रूफ हो गया। ऐसे ही आपको ऊपर वाला प्रूफ करना है, बात समझ में आया? तो देखो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता है, 1 नंबर 2 नंबर इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। अभी वैरायटीज और हैं, सीखते हैं हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, ये सब तो अब बहुत रेयर क्वेश्चन आने लगे हैं, लेकिन अब ठीक है आते हैं तो चैप्टर में तो पढ़ना तो है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ नए वैरायटी के क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर में आया था। क्या कह रहा है? टेकिंग थीटा 30 डिग्री, वेरीफाई दैट दिस, यानी जहां थीटा लिखा हुआ आपको 30 डिग्री लेकर प्रूव करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, चलो फर्स्टली क्या करते हैं इसको लेते हैं, साइन 3 थीटा, तो साइन 3 इंटू थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन कितना हो गया 90 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। उसके बाद अब इसको प्रूफ करते हैं 3 sin θ - 4 sin³θ, और आपको पता है थीटा का वैल्यू कितना लेना है, तो बोलेंगे सर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लेना है, तो 3 sin 30 - 4 sin³θ, कोई फर्क ही नहीं पड़ना, लिख दो 3 sin 1/2 - 4 sin 30 का वैल्यू 1/2 और 1/2 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व कर दो 3/2 - ये 8 आएगा, यहीं पे कर दें, ये लिख देते हैं 4 × 1/8, ये कट के तो 1/2 आ गया। अब 3/2 - 1/2 काटोगे तो कितना आ जाएगा 2/2, ये सॉल्व हो कितना आ गया 1, और यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, यानी LHS क्या हो गया RHS के बराबर हो गया। आप डायरेक्टली देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू क्या 3 sin θ - 4 sin³θ, तो देखो 2 नंबर कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है। देखो ट्रिगो सबसे इजी चैप्टर है 10th में, ऐसा मैं कह रहा हूँ, आपके लिए हार्ड हो सकता है, क्यों? क्योंकि मुझे सारे वैल्यूज याद है, मुझे सारे फॉर्मूले याद है, बट आपको याद नहीं है। आप अगर याद कर लेते हैं तो आप मतलब आपको क्वेश्चन दिखेगा और आंसर आपको सामने रहेगा, यार इसको तो ऐसे करना है, आप समझ में आ रहा है ना? तो आप इन चीजों को देखिए, समझिए, सीखिए। अब जो मैं वैरायटी बताने वाला हूँ 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, वो एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं, उस वैरायटी के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए देखिए, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो, और ऐसे के वैरायटी के सारे क्वेश्चन होंगे अभी, और ऐसे ही लिखा, इस बार मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, अब हर बार ऐसे क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन लिखूंगा, मैंने इसमें पूरा लिखा हुआ है, सुनो क्या क्वेश्चन कहता है वो सुनो, ठीक है। इफ साइन ए प्लस बी 1 है और कॉस ए माइनस बी इतना है, जिसमें ये जो a प्लस बी है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। आप जब पढ़ेंगे आगे चल के तो साइन और कॉस का वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच ही लाई करता है, और इसमें यह भी कंडीशन दिया हुआ है कि जो a है वो b से बड़ा है, तो a और b का वैल्यू निकालो। क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत ईजी है, बहुत ईजी। क्या है जी? देखो पहले इसको लेते हैं, आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा है, उसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। आइए देखिए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री। बोलेंगे सर साइन 90 का भी वैल्यू 1 होता है, तो 1 लिखे या साइन 90 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर भी साइन है तो साइन क्या करते हैं, हटा देते हैं, हट गया साइन, ठीक। क्या बच गया? बोलेंगे ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, यही बचा, क्योंकि यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, मतलब ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वही एंगल 90 डिग्री है, मतलब तो यही ना है, ये इसके इक्वल है और यहां 90 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये जो एंगल यहां पे लिखा हुआ है वही तो 90 डिग्री लिखा हुआ है, तो यहां लिख लिया इसको, इसको मान लिया इक्वेशन 1, ठीक। उसके बाद इसको लिखते हैं कि सर कॉस ए माइनस बी यह है √3/2, ठीक, तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना सर, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, साइन 30 का 1/2 होता है, कॉस 30 का √3/2 होता है, कॉस 60 का 1/2 होता है, कंफ्यूज करोगे तुम लोग, पता है मुझे। अब आगे देखो,
तो इसको लिख सकते हैं सर क्या कि ये कॉस वही चीज है, तो इसको लिख दिए ए माइनस बी इक्वल टू कितना 30 डिग्री, इक्वेशन 2 मान लिए। अब जरा याद करो सिखाए थे कि ए प्लस बी 90 डिग्री, ए माइनस बी 30 डिग्री, सॉल्व करना यार, सिंपली सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 सिंपली ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री और ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन को एड करने जा रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहां लिख दे रहे हैं 1 प्लस 2 को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, आपको लिखना है यहां पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर रहे हैं। जब आप ऐड करोगे बेटा तो ये तो कट गया सिंपली, तो 2a हो गया और 2a कितना हो गया 90, 30 कितना होता है, बोलेंगे सर 120 होता है, और ये इससे काट दिया कितना आ गया 60 डिग्री, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। और a का वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, इसी में पुट कर दो, a + b 60 डिग्री है, तो a कितना आ गया 60 डिग्री, तो b कितना आएगा 90 डिग्री, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे सर तो b कितना आ गया 30 डिग्री। देखिए तो जो सर कंडीशन था वो पूरा हुआ सर, देखिए तो ए बी से बड़ा है तो बोलेंगे ए बी से बड़ा है, सॉल्व। दो नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से समझो, एक दो क्वेश्चन इसी पैटर्न पे और बनाएंगे अभी, ठीक है, समझो इस क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, सेम सब चीज वही है, सही है, घर में है तो मिलते रहता है, तुम लोग भी हो, एंजॉय करो। अब ये क्वेश्चन देखो सेम वही उसी तरीके से बनाना है, ये 19 में क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, तो 10 a प्लस बी, और आपको याद रखना है कि 10 45 का वैल्यू 1 होता है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं सर, a प्लस बी इक्वल टू कितना 45 डिग्री, देख लिया, इसको सॉल्व इधर ही सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करो तो बोलेंगे सर ये तो 10 a माइनस बी और 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, कोई दिक्कत, बनाओ इसको, बोलेंगे सर a माइनस बी कितना है 30 डिग्री, ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 सॉल्व करना यार। अब इसको हम सॉल्व क्या करें, लिखो a प्लस बी कितना हो गया 45 डिग्री और a माइनस बी कितना हो गया 30 डिग्री, ऐड करोगे तो ये कट जाएगा 2a 75 डिग्री, कुछ तो गलत हो रहा भाई, एक मिनट, ठीक है जो आ रहा है आने दो, एक a इक्वल टू जो आएगा आने दो, और जो वैल्यू पुट करना है उसको पुट कर देना। ये आया हुआ एग्जाम 2019 में, और पता है क्यों आया क्वेश्चन, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं कि यहाँ यार तो 75 डिग्री है, ये तो कट नहीं रहा है, आप काटोगे कैसे, 75 को 2 से करो तो बोले सर 2 3 6 2 7 14 पॉइंट 1 2 5 10, तो इतना आ रहा तो यही इसका आंसर है, a का वैल्यू इतना आया। अब इस a की वैल्यू को यहाँ पुट करो, जो वैल्यू आएगा वही उसका आंसर होगा सिंपली। ये बस इसीलिए देता था कि आप एग्जाम में टेन समय आ जाए कि यार यार पॉइंट में क्यों आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जरा देखो वो क्वेश्चन भी 2013 में आया हुआ है, चलो देखो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है, ठीक है 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और जरा इस क्वेश्चन पे गौर से देखो क्या ये क्वेश्चन तुम लोग से बनेगा, अगर बनेगा तो वीडियो को पॉज करो और बना के देखो, ठीक है हम आओ सॉल्व करते हैं, देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, करना कुछ नहीं है, सेम वही काम करना जो अभी तक आपने सीखा है, वही काम को करते जाना है। कैसे करना है कि आपको पता है कि सर अभी आपने सिखाया था कि साइन ए इक्वल टू ये √3/2 है सर, ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे क्या कि साइन ए इक्वल टू कितना है साइन 60 डिग्री, आपको याद होगा कि √3 का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री, यहां से ए का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 60 डिग्री, ये इक्वल है तो एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक। उसके बाद फिर हम यहां से निकालेंगे कॉस बी, कॉस बी कितना है 1/√2, तो कॉस बी कितना हो गया ये कॉस 45 डिग्री, कोई दिक्कत, तो यहां से बी कितना आ गया तो बोलेंगे सर बी कितना आ गया 45 डिग्री, बस यही काम इसमें करना था बाबू। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि इसमें इसके वैल्यू पुट कर देना है, तो 10 a माइनस 10 b अपॉन में 1 प्लस 10 a इंटू 10 b। अब बस केवल वैल्यू पुट कीजिए और आंसर लाइए और कुछ नहीं करना है। आई होप कि आप आगे फ्यूचर हम बना लेते हैं, 10 a यानी 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री, ठीक है 10 45 डिग्री, ठीक, और 1 प्लस 10 कितना 60 इंटू 10 45 डिग्री, कोई दिक्कत, देखो रात के 12, ठीक है यहां तक हो, देखो कितना बज रहा है टाइम 12:10, रात के 12:10, तुम लोग के लिए यही कर रहे हैं, नहीं पढ़ोगे तो यार तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है, पढ़ाई तो करना पड़ेगा बाबू,
और रिजल्ट लाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक है। मेहनत केवल टीचर करे ये मतलब नहीं है, आपको भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ये इसलिए बता रहा हूँ सारी चीजें ताकि आपको जब भी जरूरत हो आप इन चीजों को देखें और सीखें और समझें, ठीक है। आप समझ में आ रही है, आपको करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। आओ आगे चलते हैं, अब इसको सॉल्व करो। तो 10 साठ का वैल्यू कितना होता है? तो बोले सर 10 साठ का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है, 10 साठ का √3, और 10 45 का 1, और ये 1 प्लस 10 साठ का √3, और ये 1, 10 45 1 होता है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो √3। इस क्वेश्चन को मेन सॉल्व करने का रीजन बस ये रेशनलाइजेशन है। आपको याद होगा कौन सा चीज, 9th क्लास में आपने रेशनलाइजेशन पढ़ा था, अब उसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये √3 + 1 लिखा हुआ है तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 + 1, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं। अब इसको क्या करो, इसको रेशनलाइज करो। तो रेशनलाइज कैसे होता है, बोलेंगे √3 - 1 सर, और यहाँ से √3 + 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए ना सर, बस क्या, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में √3 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 + 1 - 2√3 a² b² - 2ab, और नीचे में आएगा 3 - 1 4 - 2√3/2, और जब इसको कॉमन लोगे तो 2 बाहर, 2 - √2/2, और ये 2 और 2 कट गया, 2 - 2√2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक। यहां पे क्या था, 4 - √3/2, यहां से ये आ गया, यही आपका इसका आंसर हुआ, ठीक है। इस तरीके वैरायटी वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अब कुछ मैं और लेकर आता हूं, और क्वेश्चन लेता हूं, आगे देखिए। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, इसको कैसे सॉल्व करना है सीखो, और ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये भी सीखो, ठीक है। देखो यहां पे sec और tan का रिलेशन है, ठीक। तो क्वेश्चन को सोचोगे कैसे कि सर हमारे पास 3 ही फॉर्मूला है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है 3 फॉर्मूला है, कौन कौन सा फॉर्मूला है कि सर sin²θ + cos²θ = 1, sec²θ - tan²θ = 1, और cosec²θ - cot²θ = 1, ये फॉर्मूला है। तो सर यहाँ पे sec थीटा और tan थीटा सर, और इस फॉर्मूला में केवल मेरे पास ये एक रिलेशन बच रहा है सर, बस। यानी हमको अब कुछ सोचना होगा जिसमें ये तरीके से कुछ लाया जा सके, ठीक है। चलो समझते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइए समझते हैं। इस क्वेश्चन को उस फॉर्मूले के रूप में तोड़ने की कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करेंगे, लिख लेते हैं पहले 6x = sec थीटा, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, और 6/x = tan थीटा, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो बोलेंगे सर एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। 1 और 2 को तुम ऐड करोगे बाबू तो क्या लिखोगे, 6x + ये वाला ये साइड, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट LHS एक साइड, राइट RHS एक साइड, तो 6x/6 ऐसे लिख ली, और sec θ + tan θ, कोई दिक्कत। यहां से x 6 कॉमन ले लो, तो 6 कॉमन लोगे तो x + 1/x = sec θ + tan θ, ये आया, ठीक। इसको 3 मान लो, क्या दिक्कत है। और फिर से क्या करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब 2 को 1 से घटा रहे, तो 2 को 1 से घटा रहे मतलब 6x - 1/x = sec θ और -tan θ, यहां तक में कोई दिक्कत किसी भी तरह से, होना भी नहीं चाहिए। उसके बाद क्या, यहां से फिर 6 कॉमन लो, x - 1/x = sec θ - tan θ, इसको 4 मान लिए। देखो जरा समझो, कोई दिक्कत है तो बताओ, लिखा, ठीक है। अब क्या करने जा रहे हैं, 3 और 4 को हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई, क्या करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई, सोच के देखो, खुद से सोचो कि क्या करना चाहिए इसमें, हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला मल्टीप्लाई होगा, ये वाला मल्टीप्लाई होगा, तो 6 कितना हो गया, बोलेंगे सर 36। और देखो a + b a - b, तो क्या आया, x²-1/x² आया, और यहां देखो तो a + b और a - b, a² - b² होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर sec²θ - tan²θ, कोई दिक्कत, हल्का फुल्का भी दिक्कत। अब यहां देखो
आपको वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का। ये इसको हम तोड़ के एक बार हम कैमरा में देख लेते हैं कि इसके नीचे आ रहा है या नहीं, ठीक है? नहीं आएगा, यानी हम किनारे लिख रहे हैं। बाबू देखो जरा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चार इंटू इस 36 को, यहीं पे लिख रहे हैं, तुम लोग नीचे लिखना, इस 36 को लिख सकते हैं 4 × 9, कोई दिक्कत? इसका वैल्यू कितना हो गया 1, तुमको निकालना किसका वैल्यू, इसका। तो इस 9 को यहीं रहने दे रहे हैं, 4 को नीचे लेके जा रहे हैं, ठीक है? तो बोलेंगे सर कि 9 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन में ये 4 कहां चला गया सर, नीचे, और यही आपका क्या कहलाया सर, आंसर। 2 नंबर का क्वेश्चन देख लो, कहने को टफ है लेकिन है बहुत ही इजी, ठीक है? कहने को क्वेश्चन टफ है लेकिन है बहुत इजी। अब मेरे अकॉर्डिंग अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं है इस बुक में, इस चैप्टर में। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, चलो। अब यहां तक मैंने लगभग हर एक वैरायटी का क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया, मैंने वैरायटी कवर कराया है, क्वेश्चंस नहीं, ठीक है? इस चैप्टर में जिस तरह की वैरायटी के क्वेश्चन हुआ करते हैं, जिस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, मैंने करा रखा, मैंने करा दिया। अब आपको क्या करना है कि आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन को जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है सारा, आर एस एवर में जितने भी एग्जाम्पल्स है सबको सॉल्व करने हैं, और जितने भी एग्जाम में आए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने हैं। उसके बाद अगर आपको किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम होता है आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका सलूशन आपको बताऊंगा, ठीक है? फिर से मैं कह रहा हूं, अगर वीडियो पे कोई पहली बार आए हैं, विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करिए। आपको लगता है कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो आप दूसरे को भी रिकमेंड कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे हम लोग इसी टॉपिक पे, इस टॉपिक में, इस चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री के अगले चैप्टर पे, ठीक है? तब तक के लिए आप चीज़ों को सीखिए, पढ़िए और जितना हो सके चीज़ों को रिवाइज कीजिए। जय हिंद।